और बांग्लादेश के ढाका में आतंकी हमले का शिकार हुई तारिशी का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। गुरुग्राम स्थित उनके घर में ही शरीर रखा जाएगा। तारिशी का अंतिम संस्कार भी गुरुग्राम में ही होगा। ढाका में हुए आतंकी हमले में तारिशी मारी गई थी। आपको बता दें कि तारिशी फिरोजाबाद की रहने वाली थी, जो छुट्टियां मनाने के लिए ढाका गई हुई थी। जब वो एक रेस्टोरेंट में थी, उस वक्त आतंकियों ने हमला कर दिया और इसमें तारिशी नहीं बच पाई। तो फिलहाल आज दिल्ली पहुंचेगा तारिशी का पार्थिव शरीर और उसके बाद गुरुग्राम में तारिशी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ढाका की तस्वीरें पहले, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो भी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की। तो जो ढाका में आतंकी हमला हुआ था उसमें भारत की तारिशी भी मारी गई, जो मूल रूप से फिरोजाबाद की रहने वाली थी। फिलहाल आज दिल्ली पहुंचेगा तारिशी का शव और उसके बाद गुरुग्राम में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आतंकी हमले में तारिशी की मौत के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। फिरोजाबाद में लोगों ने तारिशी के लिए कैंडल मार्च निकालकर उसको श्रद्धांजलि दी, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में गुस्सा था तो जहां आतंकवाद के खिलाफ नारे लगे, वहीं तारिशी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की गई। और जिस दौरान ढाका में ये हमला हो रहा था, आतंकवादी अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त तारिशी जैन ने घर से बातचीत की थी। जानकारी के मुताबिक तारिशी ने अपने आखिरी बातचीत में रेस्टोरेंट के अंदर का भयानक हाल बताया था। तारिशी ने अपने पिता से आखिरी बार फोन पर बातचीत की थी और बताया था, कहा था कि मैं और मेरे दोस्त टॉयलेट में छिपे हैं, बाहर फायरिंग चल रही है, वो हमें भी एक एक कर मार डालेंगे। ये तारिशी का आखिरी कॉल था जिसमें वो समझ गई थी कि अब यहाँ से निकल पाना उनके लिए नामुमकिन है। उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि वो बच पाएंगे। और अपने पिता से बात करने से पहले तारिशी ने फिरोजाबाद में अपने अंकल को भी कॉल किया था, उनसे भी बातचीत की। तारिशी का आखिरी कॉल, अपने पापा से कहा था कि मैं और मेरे दोस्त टॉयलेट में छिपे हैं, बाहर फायरिंग चल रही है, वो हमें एक एक कर मार डालेंगे, वो सभी दीवार से लग कर खड़े हैं, पापा अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। जी हाँ, ये वो आखिरी शब्द हैं जो फोन पर अपने पापा से कहे थे तारिशी ने। और अपने अंकल को भी अपने पापा से फोन करने से पहले एक बातचीत की थी तारिशी ने, जो फिरोजाबाद में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आई थी, आतंकियों ने हमला कर दिया है, हर तरफ चीख पुकार मची है, गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं, जान बचाने के लिए मैं टॉयलेट में आकर छिपी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या करूं। तो फिरोजाबाद में रहने वाले तारिशी के परिजन इस वक्त बेहद गमजदा हैं, सदमे में हैं। तारिशी ने आखिरी बार पिछले साल अगस्त में फिरोजाबाद आकर सबसे मुलाकात की थी, तो अब उन पलों को ये लोग बार बार याद कर रहे हैं। उनके जहन में वो पल आज भी आंखों के सामने जिंदा है। तो इस दर्दनाक खबर के बाद यहाँ भी लोगों में काफी दुख है, काफी गम है। फिलहाल अब उन तस्वीरों को बार बार देख रहे हैं जिसमें तारिशी नजर आ रही है। दुख की बात है कि उस रात, उससे एक दिन बाद ही वो दिल्ली आने वाली थी, लेकिन उस दिन उसकी सहेलियों ने उससे आग्रह किया कि रेस्टोरेंट चलते हैं, तो वो अपने पापा और फ्रेंड्स के साथ चली गई। उसी समय भैया अचानक बाहर निकल गए, लेकिन तभी टेररिस्ट जो थे अंदर घुस गए और वो उसमें फंस गई। पर्दे शरीर को लाने के लिए तो राजी से बात करी गई, उन्होंने प्रयास करके बताया है सोमवार को वो वहाँ से सुबह बॉडी को रिलीज कर देंगे और दोपहर तक वो दिल्ली आ जाएगी। तो ये वो कुछ बातें हैं जो हर बार घर वालों को लगता है कि काश ऐसा हुआ होता। तो इनका वही कहना है कि उनके पिता बाहर आ गए थे लेकिन तारिशी अंदर थी, जबकि एक दिन बाद वो दिल्ली आने वाली थी, लेकिन दोस्तों के कहने पर तारिशी वहां रुकी और वो सब लोग रेस्टोरेंट में गए थे अपने पापा के साथ, तारिशी और तारिशी के दोस्त, लेकिन तभी वहां आतंकी घुसे। इससे ठीक पहले तारिशी के पिता रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे, जबकि तारिशी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट के अंदर ही थी।
जैसे ही आतंकी हमला हुआ वो अपने दोस्त के साथ टॉयलेट में छिप गई और वहां से उसने पहले अपने अंकल को फोन किया, फिरोजाबाद में फिर अपने पापा को फोन किया। तारिशी समझ चुकी थी कि अब उसका बच पाना यहाँ पर नामुमकिन है। उसने फोन पर ही कहा था कि ये लोग एक एक कर सबको मार रहे हैं, हमें भी मार डालेंगे और मैं नहीं बचूंगी। तो तारिशी को अंदाजा था कि जिस तरह से कत्लेआम मचा रखा है आतंकियों ने, ऐसे में वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल तारिशी अब इस दुनिया में नहीं है, आतंकी घटना का शिकार हो चुकी है। तो उसका पार्थिव शरीर आज दिल्ली पहुंचेगा और उसके बाद आज ही गुरुग्राम में तारिशी का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो तारिशी यूएस में पढ़ाई कर रही थी जो छुट्टियों में बांग्लादेश आई थी और घटना के एक दिन बाद वो दिल्ली आने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जो शाम रेस्टोरेंट में तारिशी अपने दोस्तों के साथ गई थी, वो शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम निकली। फिलहाल अब आज तारिशी का पार्थिव शरीर दिल्ली आएगा और उसके बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ही तारिशी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो मूल रूप से फिरोजाबाद की रहने वाली थी तारिशी और हमला जिस वक्त वहां पर हो रहा था उसने फिरोजाबाद में मौजूद अपने चाचा से भी बातचीत की थी और वहां का हाल बताया था, अपना डर बताया था कि वो बहुत डरी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। और उसके बाद जो आखिरी कॉल था तारिशी का वो अपने पापा के पास गया था। तारिशी ने काफ़ी डरे हुए शब्दों में पापा से कहा था कि एक एक कर सबको मार रहे हैं और ये लोग मुझे भी मार डालेंगे, मैं नहीं बचूंगी। तो आपको बता दें कि इस हमले के बाद हालांकि कुछ आतंकियों को भी मार गिराया गया और एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया है, लेकिन काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जान गंवाने वालों में अधिकतर लोग विदेशी ही थे। तो कहा गया कि जो आतंकी थे उन लोगों को चुन चुन कर यहाँ पर उनसे पूछ रहे थे कि कुरान की आयतें सुनाई, और जिन लोगों ने कुरान की आयतें नहीं सुनाई उन्हें यहाँ पर एक एक कर मार डाला।